venga por la serie. Osorio Tintan Pele, Sunata Rustain Par, Pese Cabello, ¿qué hota hai? Financial Freedom Cabello, ¿qué hota hai? Dostro, me kuch janta nahi tha. But us time par, ghar mein ek ghatna hua, jis ghatna mein samajh mein aaya, ki Pese Cabello, ¿qué hota hai? Dostro, 2.5 lakh rupiya ki wajah se, pitaji ka tabiyat kharab tha, aur 2.5 lakh ki wajah se, pitaji ko is, matlab, jameen ko chhod ke jana pada dosto. To us time par dosto samajh mein aaya tha ki paisa ka value kya hai. और उस टाइम पर सर एक बात बोले थे, जब सर के पास मैं गया था क्योंकि पैसा नहीं था, तो सर एक बात बोले थे, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, संघर्ष दोस्तों जिंदगी का एक हिस्सा होता है. तो सुना सुन के बहुत कष्ट से ज्वाइन किया, एडजस्टमेंट किया. बहुत सारा लोगों ने बोला, पैसे देने से मना किया, या फिर बहुत सारा लोगों ने हाथ पीछे कर लिया क्योंकि पिताजी का सर के ऊपर हाथ नहीं था. उस टाइम पर एक पर्सन ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज का डेट में मैं यहाँ पर हूँ. वो पर्सन और कोई नहीं, मेरा मम्मी है, जिनकी जिन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं बेटा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आज का डेट में हम तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखते हैं, तुम करो, डेफिनेटली तुम सक्सेस हो जाओगे दोस्तों. तो मम्मी के लिए वैल्यू है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी घर का लड़का अगर स्मार्ट वैल्यू का हाथ नहीं होता तो मेरा कुछ वैल्यू नहीं होता दोस्तों. और एक बोलेंगे स्मार्ट वैल्यू से, वो एक बैचलर लड़के का जो भी कुछ होता है इस उम्र में, वो सब कुछ दोस्तों इस इंडस्ट्री से हो चुका है. और इस इंडस्ट्री से एक टारगेट लेते हैं, या फिर यहाँ से एक टारगेट लेते हैं कि नेक्स्ट साल जब आएंगे स्टेज पर तो एक बड़ा फील होगा दोस्तों. तो इस साल एक टारगेट लेके जाते हैं. और ये दोस्तों मेरा सपोर्ट की वजह से नहीं, और कोई नहीं, मिस्टर वासुदेव सर है, तुमके लिए भी क्या बना सकते इसी वजह से आज का डेट में मैं यहाँ पर हूँ. तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू. तो ब्रिजेश, अब दोस्तों नेक्स्ट थोड़ा सा मिल लेंगे उस लड़की से जिन्होंने स्मार्ट वैल्यू में एजुकेशन लेने के लिए आए थे, और आज उनके पास क्या अचीवमेंट्स है. सुपरस्टार अचीवर नाना दादा ने संगीता के द्वारा. उसी दिन से ठान लिया कि आज से एक ही प्लेटफॉर्म मेरे लिए है स्मार्ट वैल्यू. इस
कैंडिडेट मैं अंदर मैच्योर मेरा क्वालिटी बाहर मार्केट में कुछ नहीं है वो मैं जानती हूँ दोस्तों। आज अगर मेरा क्वालिटी बन पाया बिकॉज ऑफ स्मार्ट पहले बिकॉज ऑफ सिस्टम बिकॉज ऑफ माय सीनियर सपोर्ट की वजह से तो यही बात बोलूंगी धमाकेदार प्लेटफॉर्म मिल गया है। इसी प्लेटफॉर्म में जो भी करना है कर लेना है बाकी बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है दोस्तों। आज तक लाइफ में मैंने किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं भरा किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं लिया जो नौकरी के बेस पे हो लेकिन ये ठान ली हूँ कि स्मार्ट पहलू से पढ़ के धमाकेदार अपॉर्चुनिटी और धमाकेदार प्लेटफॉर्म और कहीं बाहर मिल नहीं सकता तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी जब मैं एक लड़की होकर कर सकती हूँ डेफिनेटली मुझे भी सपोर्ट दिया गया तो हर इंसान कर सकता है तो स्मार्ट पहलू इंडस्ट्री के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। महाभारत में एक पर्सन है क्रश जानते हैं तो
तो प्रश्न देखो जन्म देने वाला कोई और था पालने वाला कोई और यस और नो। तो दोस्तों पिताजी तो उंगली पकड़ के चलना सिखाते बट स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में अगर कोई पर्सन मेरे को सिखाया कैरियर कैसे बनता है तो कानपुर का अपना सुरेंद्र मनीष सर तो एक चीज क्या करना चाहिए और यही बोलूंगा थैंक यू विश्वनाथ। थैंक यू शुभम। नेक्स्ट मिस्टर हिमेश कुमार। एक आज तक 2 साल 6 महीना पहले इस मॉडल में एक डिसीजन लिया था, सोचा था चलो ठीक है कि आएंगे यहाँ से कुछ छोटा मोटा सपना पूरा होगा, बट फिर डिसीजन स्ट्रॉन्ग लिया था कि चाहे कुछ भी हो लेना है तो इसी इंडस्ट्री से अपना छोटा मोटा सपना को पूरा करना है। तो आज फ्रेंड आप यहाँ पर मुझे देख रहे थे एक स्टार फिल हुआ मोमेंटो हुआ, तो फ्रेंड ये मेरा क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी के पीछे फ्रेंड आज के डेट में जितना भी जो इज्जत सम्मान मिल रहा है मेरा क्वालिटी से ज्यादा मेरा मेहनत से ज्यादा ये पूरा मेहनत मेरा आप सब लोगों का कॉपरेशन की वजह से हुआ। तो आप लोगों के लिए जोर से तालियां। बाकी और क्या बोलूं, जिस पर्सन का हाथ पकड़ के एक ऑर्डिनरी पर्सन मिडिल क्लास का फैमिली का लड़का जिसका पापा बचपन से इस बारे लाइफ में कभी गाइडलाइंस किया था उस चीज के बारे में समझ नहीं पा रहा था क्योंकि पढ़ाई तो चल रहा था कि चलो ठीक है ग्रेजुएशन हो जाएगा बट गारंटी नहीं था कि क्या आगे सक्सेस मिलेगा। तो उस गाइडलाइंस को ना मिलते हुए भी उम्र हो गया था 21 साल 21.5 साल हो गया था बट गारंटी नहीं हुआ। बट इस मॉडल का हाथ पकड़ के आज से 2.5 साल पहले मिस्टर वासुदेव सर एक ऐसा पर्सनैलिटी जो मेरे लिए गाइडलाइंस का एक इतिहास बन गया या फिर गाइडलाइंस का एक ऐसा पहाड़ बन गया। आज का डेट में जहाँ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वो पर्सनैलिटी मेरे को जरूर बोलते बेटा थोड़ा सा इधर हो जा वरना तेरा लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज उन्हीं पर्सनैलिटी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और फ्रेंड बहुत सारा सीनियर का हार्डवर्क डॉक्टर्स का जिन्होंने मेरा हर समय सपोर्ट किया हर जगह पे मदद किया मिस्टर मनीष सर सागर सर विजय सर जो पर्सनैलिटी के लिए भी एक ताली चाहूंगा जिस वही पर्सनल है अजनबी थे जो मुझे स्मार्टल में ला पाए वरना आज का डेट में मिडिल क्लास का लड़का हो सकता है कानपुर का दादानगर जैसा फैक्ट्री में काम कर पाता।